हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है प्रलय। आज हम देखने वाले हैं डेली टाइम पे ब्रेकआउट होने वाले स्टॉक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो स्टॉक है उसका नाम है ईपीएल लिमिटेड। चलिए इसका टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। ये जो लेवल देख रहे हैं आप, ये जो ट्रेंड लाइन है ये रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। ये देखिए, यहाँ पे एक बार, दो बार, तीन बार और यहाँ पे भी सेम लेवल रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, लेकिन अभी इसने इसका ब्रेकआउट दिया। देखिए कैसे वॉल्यूम फॉर्म हुई है, वॉल्यूम के साथ साथ ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है। अगर हम इसके सपोर्ट की बात करेंगे तो ये जो लेवल है ये सपोर्ट का काम कर रही थी, ये देखिए, और वॉल्यूम भी अच्छा खासा बिल्डअप हुआ है। तो आप इस स्टॉक को स्विंग ट्रेडिंग के लिए मार्क कर सकते हो आने वाले वीक के लिए। ठीक है, दूसरा स्टॉक देखते हैं दोस्तों। दूसरे स्टॉक का नाम है स्पिक लिमिटेड, मतलब साउथर्न पेट्रोकेम। यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। ये जो लेवल है ये देखिए, ये पहले रेजिस्टेंस का काम करते, यहाँ पे भी एक बार, यहाँ पे दूसरी बार, लेकिन अभी इसने लास्ट दिन इसका ब्रेकआउट दिया। देखिए कैंडल कैसे फॉर्म हुई है, स्ट्रांग ब्रेकआउट कैंडल है। उसके साथ साथ देखिए वॉल्यूम भी अच्छा खासा बिल्डअप हुआ है। तो आप इस स्टॉक को भी आने वाले दिन के लिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए मार्क कर सकते हो। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं तीसरा स्टॉक। तीसरे स्टॉक का नाम है लिंडे इंडिया। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक पैटर्न फॉर्म हुआ है। आप इस पैटर्न का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ये जो पैटर्न है इसका आप नाम मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इस पैटर्न का इसने ब्रेकआउट दिया, ये देखिए यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। थोड़ा सा इसको अच्छा कर ले, ये देखिए यहाँ पे इसने इसका ब्रेकआउट दिया। इसी पैटर्न में ये ट्रेड कर रहा था। देखिए ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट की तरह काम कर रही थी, यहाँ पे एक बार, दो बार, तीन बार सेम लेवल पे सपोर्ट का काम कर रही थी। उसके बाद ये जो ट्रेंड लाइन है ये रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे भी, लेकिन अभी इसने लास्ट वीक ब्रेकआउट दिया। तो आप इस स्टॉक को भी स्विंग ट्रेड के लिए मार्क कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।